महाराष्ट्र में सिंधिया शिवराज को मिली बड़ी जिम्मेदारी, भाजपा समर्थकों में मची खलबली। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया है। सिंधिया का महाराष्ट्र से गहरा लगाव है, ऐसे में बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर नई जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वहीं मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्य के यह 3 नेता महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाएं और रैलियां करेंगे। जानकारी के अनुसार जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए ये नेता अलग अलग स्थानों पर रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराष्ट्र में अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, उन्हें पार्टी स्टार प्रचारक बनाई है। वहीं सिंधिया मराठा समुदाय से आते हैं और उनके पूर्वज महाराष्ट्र के ही हैं। सिंधिया का महाराष्ट्र की कई विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव भी माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेस भी उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में अहम जिम्मेदारियां सौंपती थी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र के रिजल्ट भी चौंकाने वाले आएंगे। फिलहाल इस मामले में आप सभी को क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। शिवराज सिंह चौहान झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के अलावा मोहन यादव भी महाराष्ट्र चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे, चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इस मामले में आप सभी को क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।